हेलो स्टूडेंट्स, गुरुकुल स्टडी जोन शिकारगंज में आपका स्वागत है। यह एनसीईआरटी क्लास टेंथ का मैथ है, क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। इस त्रिकोणमिति में सबसे पहले आपको क्या करना है, और यह त्रिकोणमिति का पार्ट 1 वीडियो है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, इस 6 को लगातार आपको याद कर लेना है। 6 यानी कि साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, ये 6 लगातार आपको याद करना है। देखिए, यही वाला क्या चीज़ है, देखिए साइन थीटा का ये सब जो है ना शॉर्ट फॉर्म है, यहाँ फुल फॉर्म है साइन, कोस थीटा का कोसाइन, टैन थीटा का टेंजेंट, कोसेक थीटा का कोसेकेंड, सेक थीटा का सेकेंड, कोट थीटा का कोटेंजेंट। कितना है आपको एकदम कंटिन्यू लगता है, साइन याद कैसे करना है, साइन कॉस टेन कॉस एक्स कॉट, इतना याद कर लेना है। इसके बाद देखिए कि आपका अपोजिट है, साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का अपोजिट साइन थीटा होता है, कॉस थीटा का अपोजिट उल्टा सेक थीटा, और सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, कॉट थीटा का उल्टा टेन थीटा, ऐसे याद करना है। इसे याद करने से आपको होगा क्या है कि इससे आपको ये 6 फॉर्मूला आएगा। देखिए यहाँ पर जब भी याद कर लीजिएगा तो आपको ये याद करने की आवश्यकता नहीं, ये अपने आप आ जाएगा, ये आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, ये अपने आप याद आ जाएगा। क्यों, इसी से इसको याद कैसे करना है, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा, सेक थीटा का उल्टा कोस थीटा, टैन थीटा का उल्टा कोस थीटा, कोस थीटा का उल्टा टैन थीटा, इस तरह याद कर लेना है। याद कर लीजिएगा, देखिए उल्टा है ना, उल्टा कर रहा है, तो देखिए साइन का फॉर्मूला 1/ कोसेक थीटा कर देना है, और कोसेक थीटा का 1/ साइन थीटा, कोस थीटा का हो जाएगा 1/ सेक थीटा, और सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 1/ साइन थीटा, टैन थीटा का फॉर्मूला 1/ कोट थीटा, कोट थीटा का फॉर्मूला 1/ टैन थीटा। क्यों, याद कर लीजिएगा आपको याद आएगा। अब देखिए यहाँ पे बटा में है, इसको हम यहाँ लाए इधर लाएंगे बराबर के, तो गुने में आ जाएगा ना, तो वही देखिए यहाँ पे साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर एक है। देखिए यहाँ पे यह है, तो इसको इधर ले आ दिए, ये बराबर के इधर है और बटा में है, बटा में रहता है, तो जब बराबर के इधर ले आएंगे तो गुना में आ जाएगा, तो गुना में देखिए यहाँ पे साइन थीटा कोसेक थीटा बराबर, और सेम चीज़ है इधर, देखिए कोस थीटा यहाँ बटा में है, इसको हम इधर ले आएंगे तो गुना में आ जाएगा, तो देखिए कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। सेम इसी तरह देखिए कोट थीटा यहाँ बटा में है, बराबर के इधर है, तो इसको हम इधर लेंगे, इधर लेंगे तो गुना में आ जाएगा, तो आपका टैन थीटा गुने कोट थीटा बराबर 1। इतना याद कर लेना है, तीन को फॉर्मूला भी याद कर लेना है। उसके बाद देखिए टैन थीटा का एक फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लीजिएगा, टैन थीटा का फॉर्मूला हो गया साइन थीटा बटा कोस थीटा, अब कोट थीटा का फॉर्मूला हो गया कोस थीटा बटा साइन थीटा, इसको भी याद कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक और फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो देखिए इसको हम इससे दो फॉर्मूला निकला है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे देखिए प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसको हम बराबर के इधर भेजेंगे, तो यहाँ प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा ना, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे देखिए 1 था तो 1 लिख दिए, इसको इधर भेजेंगे यानी कि इधर है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, ये को फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, जो आपको आगे यूज आएगा, उपयोग होगा इसका। और देखिए उसके बाद इसको हम यहाँ पे ला दिए, और ये देखिए इधर क्रॉस में है, इधर भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये को फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये भी देखिए टैन स्क्वायर थीटा को इधर माइनस में है, इसको हम इधर भेजेंगे, यहाँ देखिए माइनस में आया तो प्लस में आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर ये वाला 1 हो गया, इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा टैन स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला आ गया। अब देखिए टैन स्क्वायर थीटा को हम इधर भेज देंगे, 1 को इधर ले आ देंगे, ये देखिए माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में आ गया, देखिए यहाँ प्लस में इधर लिख दिए, इसको इधर लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ये भी फॉर्मूला हो गया। उसी तरह से हम देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा देखिए यहाँ पे सेम लिख दिए, अभी माइनस में है तो इधर जाएगा तो आपका प्लस में हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। और सेम चीज देखिए, इसको इधर लाएंगे और इसको इधर लाएंगे, कॉट स्क्वायर थीटा को इधर ले देंगे, वन को इधर ले देंगे, तो ये वाला माइनस में है तो उधर जाएगा, तो प्लस में आएगा, देखिए प्लस में लिख लिया। और कोसेक स्क्वायर थीटा इसको इधर लाएंगे तो ये वाला माइनस में यहाँ पे आ गया। ये फॉर्मूला है, इतना आपको याद करना है। इसके बाद देखिए चलिए इसके बाद इतना हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है देखिए, कुछ और फॉर्मूला है, साइन थीटा बराबर लॉन्ग बटा कर्व। कॉस थीटा बराबर चलिए इसके बाद देखिए, अब देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्व, इसका संकेत पी बाई एच है। कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बटा कर्व। टैन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा आधार हो गया। कोसेक थीटा का फॉर्मूला कर्ण बटा लंब। देखिए यहाँ पे साइन का उल्टा कोसेक होता है ना, ये फॉर्मूला भी इसका उल्टा हो जाएगा। कर्ण नीचे है तो इसका ऊपर चला जाएगा, और लंब ऊपर है तो इसका नीचे आ जाएगा। अगर ये तीनों याद है तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा उल्टा होता है। इसे इसका फॉर्मूला कर्ण नीचे है तो ऊपर चला गया, आधार ऊपर है आधार नीचे आ गया। और टैन का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये टैन का फॉर्मूला लंब बटा आधार, तो इसका प्लॉट देंगे तो आधार बटा लंब हो गया, आधार बटा लंब आपका फॉर्मूला हो गया। इसका फॉर्मूला याद कर लेना है। उसके बाद देखिए साइन नब्बे माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, ठीक है। अब कॉस नब्बे माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, कोसेक नब्बे माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, सेक नब्बे माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। उसके बाद देखिए टैन नब्बे माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, अब कोट नब्बे माइनस थीटा बराबर टैन थीटा, ठीक है। इतना आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखिए यहाँ समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे अगर थीटा इसको लेते हैं तो आपका लंब भी हो जाएगा, आधार ही हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। अगर थीटा का चेंजिंग करने पर ना इसका लंब कर्ण आधार चेंज होता रहता है, तो आपको अगले वीडियो में बताएंगे। पहले इतना आपको क्या करना है ना, अभी जितना फॉर्मूला है उतना आपको याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जितना भी आज का फॉर्मूला भी है लिखाया है वो आपको दो मिनट में पूरा का पूरा प्रैक्टिस करना है बोलने का। पहले याद कर लेना पूरा कम्प्लीट, और उसको बोल बोल के प्रैक्टिस करना है। दो मिनट के अंदर में टोटल बिना देखे फॉर्मूला एकदम हराधर बोलते हैं। अगर इतना कम्प्लीट कर लेते हैं तो फिर अगला वीडियो में, और बाकी जो है आपका कोई भी क्वेश्चन आपको आसानी से बनेगा। इसके बाद थोड़ा सा साइन थीटा कॉस थीटा का जो मान होता है ना, 45 डिग्री साइन 45 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान क्या होता है, वो निकालना सिखाया जाएगा अगला वीडियो में, ठीक है। तब तक आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा।